कैसा फील कर रहे हो तुम? मैं ठीक हूँ। डिड यू टेक योर मेडिसिन? हाँ, क्या प्लान है? कब जाने का डिसाइड किया है? तुमने जाना है तो तुम चली जाओ, मैं अभी यहीं रहूंगा। देखो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी। ये हम क्यों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं? जब हमारे बीच कोई रिलेशनशिप ही नहीं रहा तो ये क्या तमाशा बनाया हुआ है तुमने मेरी केयरिंग का? तुमने जाना है तो तुम जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। और हयात के बारे में तुमने क्या डिसाइड किया? वो मेरा इशू। और निदा? भाई, निदा तो हम दोनों का इशू है ना, क्या करना है उसका? जो करना है वो निदा ने खुद ही करना है। हम यहाँ उसकी शादी की बात करने आए थे। हाँ, तो बात तो हो गई। आफाक, मुलाकात हुई है, बात नहीं हुई है। मेरे ख्याल से हम दोनों को जकी के पेरेंट्स को मिलना चाहिए और बच्चों के बारे में कोई फैसला करना चाहिए, ताकि तुम अपने केयरिंग जेंटलमैन के पास लंदन जा सको। देखो, ये चीप शोहरों की तरह मुझे ताने मारना बंद करो। मैंने तुम्हें कोई चीट नहीं किया कि मैं तुम्हारे तानों से शर्मिंदा हो जाऊंगी। मैंने तुम्हें हर बात बताई है, तुम्हें आगाह किया है, और फिर मैं अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ी हूँ। आगे कहाँ बढ़ी, अभी तक चिपकी हुई हो मेरे साथ। मैं नहीं मिस्टर, तुम चिपके थे मुझे। पता नहीं मेरी किस गलती की सजा हो तुम। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ा। आई लेफ्ट एवरीथिंग फॉर यू, माई सेटल्ड फैमिली। मैंने अपने आप को डिस्प्लेस किया। तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ चिपकी हुई हूं? लड़ना है तुमने? एक बीमार आदमी के साथ क्या लड़ूंगी? थैंक यू। जैसा तुम चाह रही हो वैसा ही होगा।